सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। कुछ अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें। आज का पंचांग 25 अगस्त 2024 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 3:39 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 4:45 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:12 से 6:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। हल षष्ठी की शुभकामनाएं। धनुराशि 25 अगस्त 2024 दिन रविवार, रैंक या पद में हुए बदलाव से यात्रा का मजा ले मौका मिलेगा। शिक्षक या सलाहकार भी इस यात्रा में आपके साथ जुड़ सकते हैं। इस पल का पूरा उपयोग करें और जीवन के बारे में अपने विचारों को बदलें। चोरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए यात्रा करते समय सावधान रहें। आज आप पाएंगे कि एक उत्तम जीवन प्रेम से, प्रेरणा और ज्ञान से सही राह प्राप्त करता है। सार्थक चीजों पर समय बिताएं, अपने जुनून को सीमित न रखें बल्कि अन्य मनपसंद गतिविधियों के लिए भी समय निकालें, जैसे नृत्य, संगीत या खेल आदि। अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप इसे जरूर पूरा कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से चल रहे थकान भरी दिनचर्या से आज राहत पाने के लिए मनोरंजन और अपनी रुचि पूर्ण कार्यों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। लोगों के साथ मेल मिलाप रखने से नई नई जानकारियां भी हासिल होगी। विद्यार्थियों को किसी विशेष संबंधित परीक्षा में सुपरिणाम मिलने की संभावना है। काम से अधिक मौज मस्ती पर ध्यान बना रहेगा। विरोध स्वभाव के लोगों के साथ वक्त बिताने से चिड़चिड़ापन रहेगा। अन्य लोगों के पक्ष को समझने की क्षमता बढ़ेगी। काम की जगह आ रहे बदलाव के कारण नई जिम्मेदारी को सीखने की कोशिश आपकी जारी रहेगी। फिलहाल पार्टनर आपके साथ सीमित मात्रा में संवाद बनाए रखें। शुगर से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है, सावधानियां। शॉपिंग से बचना होगा, समय और पैसे का नुकसान होगा। बच्चों को किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से तनाव रहेगा, उनका मनोबल बनाकर रखें। साथ ही अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी और परिवार की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। प्रेम संबंध को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। भावुकता पर नियंत्रण रखें और रोमांटिक जीवन में बदलाव के बारे में सोचें। किसी से प्यार है तो आज का दिन इसी व्यक्त करने के लिए शुभ है। आप इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि जीवन प्यार से भरा है। ज्ञान द्वारा निर्देशित होना चाहिए अपने साथी के प्रेम की खुशबू में। अपने साथी के प्रेम की खुशबू में आज आप मदहोश रहेंगे। आप भी अपने चाहत के बारे में उसे जरूर बताएं। दो प्यार के बोल या आंखों से भी प्रेम को प्रदर्शित किया जा सकता है। बात करते हैं करियर की। पिता की तरह का कोई व्यक्ति या आपके अधिकारी आपके कौशल को पहचानते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए कुछ समय अभी इंतजार करें। जल्दी ही विदेश यात्रा भी कर सकती हैं। शिक्षक का साथ कानूनी मामलों को हल करने में मददगार है। आप अच्छे से जानते हैं कि जीवन की गुणवत्ता दूसरों के प्यार और आपके ज्ञान पर निर्भर करती है। आज अब उन परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रही है। एक ही काम में अपना समय व्यर्थ न करें और अपने काम को एंजॉय करें। अपने शौक के लिए भी समय जरूर निकालें। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखें। इस समय अनावश्यक खर्चों की अधिकता की वजह से तनाव की स्थिति रह सकती है। जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार लाभ भी मिलेगा। ऑफिस में दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह न दें। बात करते हैं सेहत की।
लापरवाही की वजह से जोड़ों में दर्द जैसी समस्या हो सकती है, तुरंत ट्रीटमेंट ली, शुगर से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को गेहूं का दान करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।